Hey everyone, welcome to Shumza. Yes, I'm Shivangi Sharma. So first of all, I'm very sorry because no videos for the last 2 days. But this was because of some technological issues going on. Okay. So now we'll try to be constant. Okay. So okay, let's begin with the chapter. So the name of the chapter is Colonialism and Countryside. Okay. So colonialism क्या होता है? Colonialism का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर जगह को अपनी कॉलोनी बनाना. ठीक है. सो इंडिया किसकी कॉलोनी रही है? इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी रही है, राइट? इंडिया, क्योंकि इंडिया में किसने राज किया? इंडिया में ब्रिटेन ने राज किया था. ठीक है. सो इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन. ठीक है. सो अब ब्रिटेन, जब ब्रिटिश राज चल रहा था इंडिया में, उस टाइम पे कंट्री साइड यानी कि विलेजेस में क्या इफेक्ट पड़ा, दैट इज समथिंग वी गोना डिस्कस इन दिस चैप्टर. एंड वी गोना एक्सप्लोर सम ऑफिशियल आर्चीव्स. ऑफिशियल आर्चीव्स का मतलब, देखो अभी तक हमने जितने भी हिस्ट्री पढ़ी, वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? सो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑफिशियल आर्चीव्स लिखे गए थे. ठीक है. ऑफिशियली जो चीज़ें लिखी गई थी उनके थ्रू हमें जो चीज़ें पता चली हैं, डैट वी गोना एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर. ओके. सो इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको बताया, हम पढ़ने वाले हैं कैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज एस्टेब्लिश करा कंट्री साइड में, उस टाइम पे क्या क्या पॉलिसीज आई, क्या कैसे कैसे लोगों ने रिवोल्ट करा और लोगों की लाइफ्स कैसे चेंज हुई. ठीक है. नए नए लॉज भी इंट्रोड्यूस कराए गए थे उस टाइम पे. ओके. सो यस, दैट इज गोना वी गोना डिस्कस इन दिस चैप्टर वेरी डीपली. ठीक है. सो बंगाल एंड द जमींदार्स, दैट इज आर फर्स्ट चैप्टर. सो ठीक है, हम पहले कहाँ किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? फर्स्ट वी गोना डिस्कस अबाउट बंगाल. ठीक है. सो देखो, हम लोगों को ये तो पता है कि सबसे पहले इंडिया का कौन सा पार्ट कॉलोनी बना था? बंगाल. ठीक है. बंगाल में सबसे पहले जो है कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है. सो ये सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट थे जब बंगाल में कॉलोनियलिज्म हुआ उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमें रूरल सोसाइटी के ही रीऑर्डर हमें देखने को मिले थे. ठीक है. नई रिजीम आई, नई लैंड राइट्स आए, नए रेवेन्यू सिस्टम आए. कहाँ पे? रूरल सोसाइटी में. रूरल सोसाइटी में यानी कि विलेजेस में और कंट्री साइड में. यहाँ पे जो हमें नए नए रेवेन्यू सिस्टम देखने को मिले और नई नई लैंड राइट्स देखने को मिले. कब? जब EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल एस्टेब्लिश करा कहाँ पर? बंगाल में, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स. ठीक है. सो द ऑक्शन ऑफ बर्दवान. सो सबसे पहले वी आर हैविंग अ वर्ड ऑक्शन. सो ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन का मतलब होता है बोली. ठीक है. आपने देखा होगा कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बोली लगती है. बोली इन द सेंस कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ को बेचने के लिए, मतलब खरीदने के लिए, और जो पर्सन सबसे ज़्यादा उसका रेट बोलता है कि हाँ मैं इस अमाउंट में खरीदूंगा, वो पर्सन उस चीज़ उसको वो चीज़ बेच दी जाती है. ठीक है. सो यहाँ पे हम ना पहले एक सिनेरियो पढ़ेंगे, उसके बाद उसके पीछे की स्टोरी जानने वाले हैं हम. ठीक है. सो दो यहाँ पे केस होने वाले हैं. ठीक है. मतलब क्या करेंगे हम, पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे. ठीक है. सो उस स्टोरी को सुनने के बाद हम देखेंगे कि उसके पीछे की स्टोरी क्या थी. ठीक है. सो इस चैप्टर में हम यही करने वाले हैं, हम स्टोरी सुनने वाले हैं और उसके पीछे की स्टोरी देखने वाले हैं. ठीक है. सो 1791 में ऑक्शन हो रहा है कहाँ पे? बर्दवान में, जो कि आज बर्दमान है. ठीक है. सो ये काफ़ी बड़ा पब्लिक इवेंट है, बहुत सारे महल बेचे जा रहे हैं. ठीक है. राजा बुर्दवान के काफ़ी सारे जो उनके महल हुआ करते थे उनको बेचा जा रहा है. ठीक है. इस टाइम पे 1793 में परमानेंट सेटलमेंट भी ऑपरेशन में आ चुका था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है. सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर क्या होता है परमानेंट सेटलमेंट, क्या होता है हमने डिस्कस कर चुके हैं, राइट, पुरानी क्लासेस पे, छोटी क्लासेस पे. सो क्या होता है परमानेंट सेटलमेंट में? आपका जो टैक्स आपसे लिया जा रहा है उसको फिक्स कर दिया जाता है. ठीक है. सो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो पे करना होता है. ठीक है. सो अब क्या है कि जमींदार्स को, मतलब हर एक जमींदार को, मतलब एक, चलो एक फिक्स्ड है कि कितना रेवेन्यू पे करना है. ठीक है. सो देखो, जो ये ऑक्शन करवाया जा रहा है ना, मतलब जो भी ये लोग चीज़ खरीद रहे हैं, कोई ना इनका पैसा, मतलब उनका अमाउंट नहीं दे पा रहा है. ठीक है. इट्स लाइक ऑक्शन को, मतलब वो रेवेन्यू रिकवर करना उस पर्टिकुलर ऑक्शन का, इट्स लाइक नॉट इम्पॉर्टेंट. अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या मतलब है. ठीक है. अगर ऑक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कोई जो पर्टिकुलर आदमी है वो चीज़ खरीद रहा है, राइट. सो यहाँ पे क्या हो रहा था
राजा की चीजें बिक रही थी, ठीक है। सो इन जमींदार को बेवकूफ बनाने के लिए राजा क्या कर रहे थे, राजा अपने ही लोगों को ऑक्शन में भेज रहे थे, ठीक है, अपने लोगों को ऑक्शन में भेज रहे थे और उनको बोल रहे थे कि तुम सबसे ज्यादा बिडिंग करो, ठीक है, और वो चीज़ खरीद लो, और जब वो तुम्हारे पास पैसे मांगने आएंगे, क्योंकि अब आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो जब वो आपके पास वो पैसे मांगने आएंगे और आप नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, चीज़ फिर से ऑक्शन में चली जाएगी फिर से उसको देखने के लिए। सो फिर से राजा जो है अपने लोगों को जाके जो है वो फिर से ऐसे किया करता था कि अपने अपने लोग जो मतलब राजा के जो पर्टिकुलर लोग हैं वो जाके जो है चीज़ें खरीद रहे थे, ठीक है। सो उस वहाँ पे लगभग 95% जो ऑक्शन हुआ करते थे वो इसी तरीके से हुआ करते थे, जो राजा की चीज़ें हैं वो पब्लिकली बेची जाती थी, ठीक है। बट फिर भी वो क्या होता था, क्योंकि वो राजा के अंडर ही रहती थी, कैसे वो अभी हमने पढ़ लिया कि क्या है, फेक बिडिंग उस टाइम पे की जाती थी, मतलब राजा अपने लोगों को वहाँ पे भेजा जाता था, ठीक है। सो अब आप बोलोगे कि राजा का क्यों बेचा जा रहा है, अब पूछोगे ना, ठीक है। अब मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि, तो आप बोलोगे कि राजा का महल क्यों बेचा जा रहा है, राजा का महल इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे हैं, ठीक है। जमींदार जो जमींदार हुआ करते थे ना, कौन थे जमींदार उस टाइम पे, राजा ही तो थे वो, जो कि रेवेन्यू जाके कनेक्ट किया करते थे वही जमींदार बन के जाया करते थे, ठीक है। सो जो रेवेन्यू है राजा वो पे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। सो आप बोलोगे कि रेवेन्यू, राजा कैसे रेवेन्यू नहीं पे कर सकते, मतलब राजा, ठीक है। सो अब आप बोलोगे कि अब ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, मतलब राजा पे नहीं कर पा रहा है रेवेन्यू तो उसकी चीज़ें बेची जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्शन में कौन लोग जा रहे हैं खरीदने, ठीक है, क्या क्या स्टोरी है, दिस इज वी गोना डिस्कस नाउ, ठीक है। ठीक है, अभी अनपेड रेवेन्यू का क्या प्रॉब्लम था, देखो लगभग 75% जो ज़मींदारी है वो परमानेंट सेटलमेंट के ही हाथ से चेंज हो चुकी थी जब परमानेंट सेटलमेंट आई था, ठीक है। तो 1770s में एक बंगाल की जो रूरल इकोनमी है वो ना क्राइसिस में जा रही थी, ठीक है, मतलब बहुत ही लो स्केल में जो है वो, रूरल इकोनॉमी की बेसिकली बात की जा रही है, रूरल इकोनॉमी बहुत ही लो स्केल में जा रही थी। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हम फिक्स कर देते हैं कि हाँ हम इतना ही रेवेन्यू चार्ज करेंगे, ठीक है। सो उस टाइम पे ना काफ़ी सारी फेमाइंस और काफ़ी सारी क्राइसिस भी हमें देखने को मिल रही है और एग्रीकल्चर आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, ठीक है, घटता ही चला जा रहा था। तो ऑफकोर्स अब देखो रूरल एरिया में क्या होता है, रूरल एरिया में लोग क्या कैसे करते हैं ट्रेड, एग्रीकल्चर ही तो, एग्रीकल्चर पर ही तो डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सो जब एग्रीकल्चर आ रहा है, फेमाइन आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई नेचुरल कलामिटी आई है जिसकी वजह से फेमाइन आ रहा है, तो एग्रीकल्चर काम नहीं कर रहा है। सो ऐसे टाइम पे लोगों के पास ऑफकोर्स पैसे नहीं होते टैक्स पे करने के लिए, राइट। सो अब ब्रिटिशर सोचते हैं कि अगर हम जो टैक्स हम ले रहे हैं उसको अगर हम फिक्स कर दें तो शायद जो है हमारी इकोनॉमी वो अच्छे से चलेगी, ठीक है। सो उन्होंने जो रेट को फिक्स करा, ठीक है, और उन्होंने बोला कि यही जो है वो रेवेन्यू का डिमांड परमानेंटली में हम फिक्स कर रहे हैं, यही जो है रेवेन्यू का डिमांड चलता रहेगा, ठीक है। सो इस प्रोसेस से ऑफिशियल्स को ऐसा लग रहा था कि जो फार्मर्स है और जो रिच लैंड ओनर्स है उनकी मतलब इंक्रीज होगी, कैपिटल में इंक्रीज होगी और एग्रीकल्चर में मतलब जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बट चीज़ें नहीं ऐसी होती हैं, ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी, बिकॉज जो टैक्स ये फिक्स किया था ना वो भी बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है टैक्स इन लोगों को पे करना पड़ रहा था। देखो जो प्रॉब्लम थी वो इंडिविजुअल की अगर हम बात में देखें तो अब उन्होंने एग्रीकल्चर भी, एग्रीकल्चर में को भी इम्प्रूव करना है और उन्होंने मतलब टैक्स भी पे करना है, राइट। सो उसके मतलब उसके लिए वो इतना इनकम तो ऑफकोर्स उनके पास आनी चाहिए कि वो मतलब पे भी टैक्स भी पे कर सके और अपना घर भी चला सके, राइट, अपना एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव कर सके, ठीक है। सो काफ़ी कंपनियों जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को मतलब जो भी तालुकदार थे और जो राजा थे उनको बोला कि मतलब कि तुम लोगों को बोलो कि वो क्या करे, वो परमानेंट सेटलमेंट करे और परमानेंट सेटलमेंट को मतलब फॉलो करे और ज़्यादा ये फेमस हो जाए, ठीक है। मतलब ये राजा जो तुलकदास को ऐसा बोला, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। तो अब जो ज़मींदार थे, अब फिक्स तो हो गई थी, चलो कोई बात नहीं कि फिक्स तो कर दी गई, बट वो बहुत ही मतलब ज़्यादा था, ठीक है। अब देखो ज़मींदार के ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ज़मींदार को लगभग कभी कभी तो 400 तक विलेजेस उनके अंडर भी आया करते थे, ठीक है। सब देखो जो ज़मींदार थे उनको डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में जाके अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ रहा था, ठीक है, और कंपनी को जाके पे करना पड़ रहा था, ठीक है। और जो वो जो डिफरेंस था ना वो उनके इनकम हुआ करते थे, ठीक है।
सो वो रेगुलरली जो है वो कंपनी को पे किया करते थे, तो उनके पास भी मतलब कभी कभी ऐसा लगता था कि देखो जब ऑक्शन फेल हो जाता था है ना, देखो क्या होता था कि अब उनको बोला जा रहा है कि हाँ इतना जो तुम्हें देना ही देना है, कहीं से भी तुम लेकर आओ, बट इतना रेवेन्यू तुम्हें पे करना ही है। बट जब वो इतना रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे तो क्या होता था, उनका एक उनकी जो चीज़ें हैं उनको ऑक्शन में डाल दिया जा रहा था। ठीक है, सभी हम समझ गए कि क्या था ऑक्शन, क्यों करवाया जा रहा था, और जमींदार के राजास के महलों का ऑक्शन बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बाय जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। देखो अर्ली डिकेट्स में जब परमानेंट सेटलमेंट आया ही था उस टाइम पे जमींदार, अब ना देखो अब रेवेन्यू डिमांड को वो पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और उनका जो बैलेंसेज है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अनपेड बैलेंस रह रहा था। ठीक है, इसकी वजह से ना इस अब ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो अब जमींदार से ये बोल रहे हैं कि हम ना टैक्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे। सो ये टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाने का कुछ रीजंस है। ठीक है, पहला रीजन ये है कि जो रेशियो है, जो अमाउंट है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, लोग इतना नहीं दे पा रहे। ठीक है, सो अब कंपनी, अब उस टाइम पे जो फार्मर्स है वो अपनी कमाई के साथ साथ ये वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए लोन भी लेने शुरू कर दिया था। दिस इज ऑल्सो वी गोना डिस्कस इन दिस चैप्टर इन फर्दर। ठीक है, सेकेंडली जो इतना हाई डिमांड आ रहा था उस टाइम पे, ठीक है, देखो 1970s के टाइम पे जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का जो एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं उनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने बोला कि हम परमानेंट सेटलमेंट चालू कर रहे हैं और इतना जो है तुम्हें देना ही देना है पर्टिकुलर अमाउंट का। ठीक है, बट उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर की प्राइजेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे, जिसकी वजह से भी वो पैसे मतलब नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, अब जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो जमींदार रेंट कलेक्ट कहाँ से करेगा और कंपनी को पे कैसे करेगा, राइट। ठीक है, सो फिर जो रायत थे, ठीक है, अब रायत थे वो भी उनके उनको देना ही नहीं मान रहे थे, वो भी मतलब हाथापाई वगैरह भी कर रहे थे उन लोगों के साथ। ठीक है, तीसरा जो रेवेन्यू है वो इनवेरिएबल था। ठीक है, कभी हार्वेस्ट कैसे बोल सकते हो कि जब हार्वेस्ट का टाइम है उस टाइम पे जो है काफ़ी पैसा आ जाता है, कभी जब जब बोने का टाइम है उस टाइम पे पैसा ही नहीं है लोगों के पास, है ना, कुछ भी हो सकता है, कभी सनसेट होता है कभी सनराइज होता है, राइट। उसके बाद जो परमानेंट सेटलमेंट है वो ना जमींदार की पावर को एक लिमिट दे देता है। ठीक है, सो ये जो अंग्रेज थे ना इनको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जो जमींदार हैं इनकी पावर ऐसी हो जाए कि ये अपना ही अलग से अपने सोसाइटी बना दे, इसलिए उन्होंने ना एक पर्टिकुलर लिमिट दे दी थी जमींदार को कि हाँ तुम्हारी पावर इतनी ही है, इससे ज़्यादा तुम्हारी पावर नहीं है। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रेयत वाले जो रेयत है उनसे जाके कलेक्ट करना है और जमींदारी निभानी है, बस इतना ही तुम्हारा काम है। ठीक है, सो काफ़ी कंपनी को ऐसा लग रहा था कि जमींदार को मतलब कंट्रोल करना और रेगुलेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देखो जो लोकल जस्टिस है और लोकल पुलिस है उसी की वजह से जमींदार जो वो अपना पावर मतलब खोते ही चले जा रहे थे। ठीक है, सब देखो जब रेंट कलेक्शन का टाइम होता था तो जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जमीन मतलब जो जमींदार हुआ करते थे जो कलेक्ट किया करते थे उनको बोला जाता था अमला। ठीक है, अमला उनको बोला जाता था। ठीक है, काफ़ी विलेजेस में। ठीक है, अब देखो जो रेयत थे ना उन रेयत की वजह से वो लोग मतलब जब बैड हार्वेस्ट होती थी या प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते थे उस टाइम पे रेयत जो है वो पेमेंट नहीं कर पाते थे। ठीक है, जमींदार को अब जमींदार के पास जब पैसे ही नहीं आ रहे तो वो आगे जाके उन्हें क्या देंगे। ठीक है, लेकिन जो रिच रेयत होते थे और जो विलेज हेडमैन होते थे जिनको बोला जाता था ज्योतिदार्स और मंडल्स। ठीक है, जो ज्योतिदार्स कौन होते थे, जो रिच रेयत होते थे, ठीक है, जिनके पास बहुत सारे पैसे थे जो रिच थे, और मंडल्स जो कि विलेज के हेडमैन हुआ करते थे, उनको ना जमींदारों को ऐसे ट्रबल में देख के ना बड़ी खुशी मिलती थी, उनके जमींदार के साथ पुगती नहीं थी। ठीक है, तो मतलब वो जमींदार जब उनको इतना खुशी मिलती थी कि हाँ इनके पास पैसे नहीं जा रहे अब इनकी ज़मीन वगैरह बिक जाएगी सब कुछ, ये सोच सोच के उनकी बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। ठीक है, सो अब तो जमींदार के पास जो है वो पावर भी नहीं थी, जमींदार की पावर को भी रेगुलेट कर दिया गया था, तो ऑफकोर्स वो उनके ऊपर अब कुछ उनके पावर भी नहीं उनके ऊपर एग्जर्ट कर पा रहे थे काफ़ी इजीली, और ऊपर से ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। ठीक है, सो अब जमींदार क्या कर सकते थे, वो डिफॉल्टर्स ही तो थे। ठीक है, सो अब जुडिशियल मतलब जुडिशियल प्रोसेस है वो भी लंबा ड्रोन हो चुका था। ठीक है, सो बोर्डवन में उस टाइम पे लगभग 30,000 पेंडिंग सूट्स थे। ठीक है, जो कि रेंट पेमेंट के थे 1798 में 30,000 पेमेंट थे, क्योंकि अब क्या कर रहे थे देखो ना लोग तो उनको पैसे दे ही नहीं पा रहे थे, तो बदले में वो लोग लोन ले रहे थे। ठीक है, जमींदार को तो ये डर था ना कि उनका सारा वो सब कुछ चलाना जाए, तो जमींदार क्या करते थे वो पैसे लोन लेके जो है वो
उनको देते थे कंपनी को, ठीक है। सो लगभग 1798 आते आते लगभग 30,000 ऐसे पेंडिंग वो थे कि रेंट की लोन लिया गया है बट वो वापस नहीं किया गया, ठीक है। अब ज्योतिदास, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, जो कि विलेज हेडमैन और रिच लोग थे, वो कैसे पढ़े, ठीक है। देखो, जहाँ पे जमींदार्स को 18 सेंचुरी में इतना क्राइसिस फेस करना पड़ रहा था, उस टाइम पे एक पीजेंट का ग्रुप था जो कि पोजीशन जिसकी बढ़ती चली जा रही थी विलेजेस में, ठीक है। सो जो फ्रांसिस बकनन है, उनके सर्वे के अकॉर्डिंग जो दिजानिन डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ बंगाल का, वहाँ पे हमें काफ़ी डिस्क्रिप्शंस ऐसे देखने को मिलते हैं कि जो रिच पीजेंट्स है, जिनको ज्योतिदार्स बोला जाता है, वो कैसे ग्रो हुए, ठीक है। सो अर्ली 19th सेंचुरी में जो ज्योतिदार्स है, उन्होंने काफ़ी बड़ा लैंड जो है वो अपने अंडर कर लिया था, ठीक है। कुछ तो ऐसे थे जिनके पास सेवरल 1000 एकर्स तक ज़मीन थी, ठीक है। वो उस टाइम पे मनी लैंडिंग को कंट्रोल किया करते थे, ठीक है। इमेंस पावर और पुअरर कल्टीवेशन को भी वो लोग कंट्रोल किया करते थे, ठीक है। लोकल ट्रेड को भी ये लोग कंट्रोल किया करते थे। सो उनकी लैंड का जो एक काफ़ी बड़ा पार्ट है, वो शेयर कॉपर्स के लिए वो कल्टीवेट किया करते थे, जिनको वो अधियार्स या बर्गदर्स बोला जाता था, ठीक है। सो उनके पास तो अपने प्लो हुआ करते थे, उनके पास उनके मतलब वो अपने फील्ड में काम करने के लिए लेबर्स को लगाते थे, ठीक है। सो ज़्यादातर जो ज्योतिदर्स है, ठीक है, वो मतलब खुद काम नहीं करते थे, वो क्या करते थे, वो ना लेबर्स को लगाया करते थे अपनी फील्ड पे, ठीक है। सो इन्हीं विलेजेस में ज्योतिदास की जो पावर है, वो ज़मींदार से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। देखो, जो ज़मींदार थे ना, वो अर्बन एरिया में रहा करते थे, ठीक है, मतलब शहरों में रहा करते थे ज़मींदार। और ज़मींदार सिर्फ जब रेंट लेने का या फिर जब टैक्स लेने का टाइम होता था, तब विलेजेस में आते थे। बट जो ज्योतिदास थे ना, वो विलेजेस में ही रहा करते थे। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, मान लो आप एक विलेज में रहते हो, ठीक है, आप एक विलेज में रहते हो और एक दूसरा आदमी दूसरा विलेज में रहता है, ठीक है। सो जो कि विलेज काफ़ी बड़ा है, सो ये जो आदमी है, इस पर्सन का काम है आपके विलेज में आके कुछ भी काम करना, ठीक है, आप लोगों से टैक्सी कलेक्ट करना मान लो, ठीक है। सो उस पर्सन से, और अगर आपके विलेज का कोई पर्सन के पास पावर आ जाती, तो आप ऑफकोर्स अपने विलेज के पर्सन को ज़्यादा ट्रस्ट करोगे, क्योंकि वो तो आप ही के साथ रहता है। जो ऐसा आदमी है जो कभी कभी सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के टाइम आता है, उससे ज़्यादा ट्रस्ट तो आपको उसी पर्सन पे होगा ना, जो कि आपके विलेज में रहता है, राइट। सो वैसा ही यहाँ पर हुआ, क्योंकि ज्योतिदार विलेजेस में रहा करते थे, तो उनका पुअर विलेजेस के ऊपर डायरेक्टली कलेक्ट कंट्रोल आ गया, और काफ़ी अच्छे तरीके से वो लोग आ गया था, ठीक है। कुछ ना उनको वो भी नहीं करना पड़ रहा था। सो अब देखो, उनको ना काफ़ी एफर्ट डालने पड़ रहे थे कि जो वो जमा कर रहे हैं, ठीक है, जो उनके पास जमा है, जो सम है, वो उसको इंक्रीज करते रहे, ठीक है। सो जमींदारी ऑफिशियल्स को अब जो नहीं ला पा रहे थे, उनका क्या हो रहा था, उनकी जॉब हटा दी जा रही थी, और उनकी जो भी सामान है उनको बेचा जा रहा था, जैसे हमने अभी पढ़ा, ठीक है। सो जो मोबिलाइज रर्थ है, जो कि इनके ऊपर ही डिपेंडेंट थे, वो अब जमींदार को कैसे पेमेंट करनी है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा उनके जो है वो चला गया, ठीक है, मतलब अटेंशन उस पर चला गया। जब जमींदार के मतलब जब वो हार जाते थे, तो क्या होता था कि जमींदार की जो ऑक्शन है, ठीक है, वो कभी कभी ऐसा होता था कि जो ज्योतिदार थे वो खरीद लिया करते थे। ऐसे ज़्यादातर तो जो जमींदार थे, जो राजा हुआ करते थे, उन्हीं के लोग जाके वो चीज़ें खरीदा करते थे। बट कहीं कहीं जो ज्योतिदार थे ना, वो इतने ज़्यादा खुश होते थे, और ज्योतिदार सबसे पहले पहुँच जाया करते थे, ठीक है। मतलब जब भी उनको लोग उनको ऐसा पता चलता था ना कि हाँ, अब इस पर्टिकुलर जो ये पर्टिकुलर जो जमींदार है या पर्टिकुलर राजा है, उसकी ना चीज़ बिकने वाली है, उसकी चीज़ को बेच रहे, तो सबसे पहले ना वहाँ पे ज्योतिदार्स बैठ के पहुँच जाते थे कि हाँ, अगर मौका मिले तो हम भी वो चीज़ खरीद लेंगे, ठीक है। उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी बेसिकली, ठीक है। सो काफ़ी जगह पे इनको हावलादास बोला जाता था, कुछ जगह पे इनको गांधीदास बोला जाता था, कुछ जगह पे इनको मंडल्स बोला जाता था, ये जो भी हेड और जो भी अमीर लोग हुआ करते थे, ठीक है उनको। और ठीक है, सो ऐसे जो है ये जमींदारी अथॉरिटी वीक होती जा रही थी, और ये जो है इंक्रीज होते, इनकी जो है राइज होता जा रहा था, ठीक है। सो अब जमींदार रेजिस्ट करते हैं। देखो, जब ऐसी स्ट्रेटजी आ गई थी, अब लोगों को अब जमींदार को इतनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। सो देखो, रूरल एरिया जो है वो कलेप्स कर रहा है, ठीक है, रूरल एरिया का जो चीज़ है वो बर्बाद होती चली जा रही है, ठीक है। सो अब कुछ टाइम तक, ठीक है, कुछ टाइम तक जो है पर्सन कुछ चीज़ झेलता है, उसके बाद तो वो रेजिस्ट करता ही है। जब ऐसी चीज़ उन्हें देखने को मिल रही है कि अब उन्हीं की जो चीज़ें हैं वो बेच रही बीची मतलब बिक रही हैं, तो वर्धमान के जो राजा है, ठीक है, उनका मतलब उनका फर्स्ट ट्रांसफर हुआ था जब वो जमींदारी गए थे, ठीक है, टू हिज मदर, सिंस जो कंपनी है उन्होंने मतलब वुमेन को जो है बोला था कि वुमेन मतलब देखो कंपनी है डिक्रीड द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन,
ओवर उस टाइम पे सेकंड मूव ये लिया गया कि जो ऑक्शंस है वो मैनिपुलेट कर दिया गया, ठीक है, मैनिपुलेट किया गया, जैसे हमने भी पढ़ा कि जो ऑक्शन है उसमें अपने लोगों को बेच के जो है वो चीज़ खरीदी जा रही थी, ठीक है। सो जब एस्टेट का एक पार्ट ऑक्शन किया जाता था तो ज़मींदार के ही लोग जो जाके उस प्रॉपर्टी को खरीदा करते थे आउटबाइडिंग अदर परचेजेस, ठीक है। जब बाद में वो पैसे लेने आते थे तो फिर से वो चीज़ वो जब वो पे नहीं कर पाते थे, मनी नहीं परचेज कर, ठीक है, परचेज मनी पे नहीं कर पाते थे, वो चीज़ फिर से ऑक्शन में चली जाती थी, फिर से ये सेम प्रोसेस जो है रिपीट होता चलता जा रहा था, ठीक है। सो ऑक्शन में भले ही जो राजा का महल है वो ऑक्शन में चला जाता था, बट वो होता तो राजा के ही अंडर था, ठीक है। सो इसीलिए जो ज़मींदार थे उन्होंने, ज़मींदार कभी भी फुल रेवेन्यू डिमांड को पे कर ही नहीं पाए, ठीक है। सो कंपनी भी जो अनपेड बैलेंसेस है उनको रिकवर नहीं कर पाई, ठीक है। सो ऐसे में और ज़्यादा मतलब ये ट्रांजेक्शन ग्रैंड स्केल में होते हुए हमें कब दिखे, 1793 से 1804 के बीच में, जब चार बहुत बड़े ज़मींदारी थे बंगाल के, इंक्लूडिंग द बर्दवन, उन्होंने बेनामी परचेजेस करना शुरू करी, ठीक है, जो कि लगभग 30 लाख की उन्होंने सभी ने मिलकर की थी। और ये जो टोटल सेल्स था ऑक्शन का, डेट वॉज मतलब अब जितना ऑक्शन में जो चीज़ें बिक रही थी ना ऑक्शन में, उसमें से 15% जो चीज़ें वो फिक्टियस ही हुआ करती थी, ठीक है। अब जब लोगों ने ज़मींदारी से बाहर जाके जब उन्होंने देखा कि ज़मींदारों की जो एस्टेट है वो ऑक्शन में जा रहे हैं, तब उन्हें ना बहुत ही बुरा लग रहा था कि देखो कि हमारे जो मतलब ज़मींदार थे उनकी चीज़ बिक रही है, उनको भी ऑफकोर्स जो है चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। तो उन्होंने भी ना ये चीज़ों की मतलब देखो जो उनको ऐसा लग रहा था कि यार राजा तो हमारा ही है ना, अगर हमारे राजा की ऐसी चीज़ बिक रही है तो ऑफकोर्स उनको भी ये चीज़ अच्छी तो नहीं लगेगी, ठीक है। सो उन्होंने उस टाइम पर क्या किया, काफ़ी एजेंट्स उन्होंने ऐसे पकड़े इनके अंग्रेज़ों के, और उन पर लाठीचार्ज उन्होंने करना शुरू करा, ठीक है, अपने ज़मींदारों की हक में, अपने राजा के हक में, ठीक है। जो राजा थे वही ज़मींदार थे, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना, ओके। सो बाद में और यही करके वो दिखाते थे अपने ज़मींदार को कि देखो हम कितने लॉयल हैं, ठीक है। वो बताते थे कि आप हमारे राजा हो और हम आपकी प्रजा हैं, ठीक है, ये जो है रिलेशन वो दिखाते थे। एज अ रिजल्ट ज़मींदार की जो पावर है वो विलेजेस में धीरे धीरे स्ट्रेंथन होने लग गई थी, ठीक है। जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया 1930s का, जब ग्रेट डिप्रेशन आया उस टाइम पे तो कोलैप्स ही हो गया था, और जो जोतेदार थे उन्होंने अपनी पावर इंक्रीज कर दी, कहाँ पे, कंट्री साइड्स में, यानी कि विलेजेस में, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फिफ्थ रिपोर्ट। सो काफ़ी चेंजेस जो है हमने अभी डिस्कस कर लिए थे डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो उसमें से काफ़ी हमें ना डिटेल ऐसी रिपोर्ट देखने को मिली, जैसे मैंने आपको बताया था हम इसमें जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो ऐसा डिटेल में हमें एक रिपोर्ट मिली जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट 1813 में सबमिट कर दी गई थी, जिसको बोला जाता है फिफ्थ सीरीज ऑफ अ रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई जाती है, ठीक है। सो इसको फिफ्थ रिपोर्ट भी बोला जाता है, जिसमें लगभग 1002 पेजेस हैं, ठीक है, जिसमें से 800 जो पेजेस है वो अपेंडिक्स है, किसके, ज़मींदार और जो रैत है उनकी हालत वो दिखा रहे होते थे, ठीक है, उसमें कि क्या क्या होता था, कैसे कैसे होता था, ये सारी चीज़ें जो है उसमें दिखाई जा रही थी, ठीक है। सो ये जो रिपोर्ट्स है ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से लेके डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लेके जो है इसका एक स्टैटिस्टिकल टेबल बनाया जाता था, ताकि जो है उसको मतलब अच्छे से हम स्टडी कर सकें, ठीक है। सो रेवेन्यू रिटर्न्स थे, कैसे कितनी कितनी रेवेन्यू आई, इन सब चीज़ों का, ठीक है, बंगाल और मद्रास का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था, ये सब कुछ जो है ऑफिशियल्स लिखा करते थे उन रिकॉर्ड्स में, ठीक है। जैसे ही मिड 1760s आता है, उस टाइम पे इंग्लैंड की जो चीज़ें हैं और इंग्लैंड की जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको ध्यान दिया जाता था उन पर, और उनमें डिबेट्स भी हमें देखने को मिल रही थी कब, मिड 1760s में, ठीक है। सो देखो अब ना ब्रिटेन की ही कुछ ऐसी कंपनीज थी, कोई और नहीं थे, ब्रिटेन की ही कुछ ऐसी कंपनीज थी जो कि अपोज कर रही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना उसको मोनोपोली दी हुई है, ठीक है। ठीक है, जो रानी थी ब्रिटेन की, ठीक है, उन्होंने जो है वो बिल्कुल मोनोपोली दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम जाके इंडिया पे राज करो और कोई और कंपनी वहाँ पर नहीं आ पाएगी, ये हम बोलते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर,
इनको कहा, इनको बोला था कि तुम इंडिया और चाइना में जाके जो है तुम्हें जितना ट्रेड करना है तुम करो, और कोई और भी वहाँ नहीं आएगा, ऐसा बोला। ठीक है, सो ऑफकोर्स ये चीज़ जो है बिल्कुल नहीं पसंद आई थी, बिकॉज रॉयल चार्टर दिया गया था उन लोगों को। ठीक है, सो और भी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने इस चीज़ का मतलब वो अगेंस्ट वो लोग है कि हमें भी जो है वो पर्टिकुलर मतलब हमें भी ट्रेड करना है ऑफकोर्स। ठीक है, सो इस कंपनी मिसरूल और जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन था, ये मतलब ब्रिटेन में ही काफ़ी ज़्यादा इसका डिबेट इसमें हुई गई की गई और उसमें दिखाया गया, और ऐसा बोला गया कि ये जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बहुत ही ज़्यादा लालची है और ये इंडियंस के साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मतलब बहुत सारे एक्ट्स ऐसे पास किए गए लेट 18th सेंचुरी में, ताकि इंडिया में जो कंपनी रूल है इसको थोड़ा सा रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, सो फिफ्थ रिपोर्ट ऐसी ही जो उन एक रिपोर्ट में से एक थी। ठीक है, जिसमें मतलब जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी रिपोर्ट्स लागू की गई थी, उसमें से एक रिपोर्ट थी द फिफ्थ रिपोर्ट। ठीक है, सो इसमें काफ़ी डिबेट्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल जिस तरह से रूल कर रही है इंडिया में उसके खिलाफ काफ़ी जो है वो लोगों ने आवाज़ उठाई है, और कहीं और के लोग नहीं थे, ये ब्रिटेन की ही और कंपनियाँ थी। ठीक है, सो बट देखो दो और कंपनीज थी ना, वो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना ख़राब हो सके उतना ख़राब दिखाना चाह रही थी। ठीक है, सो उस टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ज़्यादा सही है, बिकॉज ये ना जैसे हमने पहले भी बोला था कि ये मतलब इनवैल्यूएबल है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादातर जो है उनकी बुराइयाँ ही की गई है और चीज़ों को मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताया गया है, इतनी बड़ा चढ़ा के भी चीज़ें नहीं हुई थी। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि जमींदार ने इनसे बचने का रास्ता निकाल दिया था कि कैसे वो फेक जो है वो ऑक्शंस करवा रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही थी। ठीक है, पर्टिकुलरली वैसे तो, बट इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहे थे। ठीक है, सो इनफैक्ट जो रिसेंट सर्चेज है वो बता रही है कि जो मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट है फिफ्थ रिपोर्ट्स में वो ऐसे जो है अनक्रिटिकली एक्सेप्ट उनको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने काफ़ी केयरफुली एग्जामिन करे सारे बंगाल के जमींदार्स को। ठीक है, और लोकल जो भी रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने डिस्कस करा। ठीक है, और उन्होंने ये एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश की कि कैसे जो है वो मतलब रूरल बंगाल में ब्रिटिशर्स यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कॉलोनियल रूल है वो अच्छे से काम कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ठीक है, सो जो फिफ्थ रिपोर्ट है वो ऑफकोर्स बहुत ही एक्सजरेट करके जो है वो चीज़ें बता रही हैं। ठीक है, इतना सब कुछ भी नहीं हुआ था, बट उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा चढ़ा के चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ताकि वो तो इतना बताती कि कितना ज़्यादा स्केल में ज़मींदार उसने अपना लैंड जो है वो खो दिया, बट इतनी ज़्यादा रेशो में भी चीज़ें नहीं हुई थी। ठीक है, सो अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज़ द हो एंड द प्लो। ठीक है, सो देखो अब हम अपना शिफ्ट अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम वेटलैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, बट हम ड्रायर जोन्स के बारे में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो वहाँ पर जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, सो हम देखने वाले हैं कि कैसे चेंजेस आए। ठीक है, फ्रंटियर पे, ठीक है, जब मतलब राजमहल हिल्स के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पर कैसी चेंजेस आए। ठीक है, और कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आई रीजन में, दिस इज समथिंग दैट वी गोना डिस्कस इन टुडेस इन दिस टॉपिक। ठीक है, सो सबसे पहले हम राजमहल की हिल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो अर्ली 19th सेंचुरी में जब बंकन है उन्होंने वो राजमहल हिल की तरफ उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया। ठीक है, सो उनके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो हिल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेडिबल है और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा डेंजर भी है। ठीक है, अगर ट्रेवल को ऐसे ट्रेवल करना है तो ऑफकोर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें डेंजर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट स्टिल वहाँ के जो लोग हैं वो किसी से बात नहीं करना चाह रहे, क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा है कि ये जो अंग्रेज़ है ना, ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ के लोग जो है उनसे बात करना नहीं जा रहे थे। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रेवलर्स आते तो थे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, बट जो लोग हैं वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। काफ़ी जगहों पे वो अपने विलेजेस में मतलब वो लोगों को आने नहीं देते थे, वो लोगों से बात नहीं करते थे, वो अलग रहते थे। ठीक है, सो उनके जर्नल के अकॉर्डिंग जो डायरी उन्होंने लिखी है जिन जिन जगह में वो गए हैं, ठीक है, सो उन्होंने उन सारी प्रैक्टिसेस को और सारे एनकाउंटर्स को लिखा जो उन्होंने देखा। ठीक है, सो मतलब हमें ये मानना है कि जो बंकन है ना वो सिर्फ ट्रैवलर नहीं थे। ठीक है, मतलब वो हर चीज़ लिखते थे। ठीक है, और वो क्वेश्चन भी अराइज करते थे। फिर जब
वो उनका आंसर नहीं दे पाते थे, नहीं ढूंढ पाते थे, तब वो बाग के उस सेम क्वेश्चन पुटअप किया करते थे। ठीक है, सो हमने देखा कि लेट 18th सेंचुरी का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें हमें पहाड़ियों उसके बारे में पता चला, हिल फोक के कुछ पहाड़ियों उसके बारे में हमने पता चला। ठीक है, देखो वो ना राजमहल हिल्स में रहा करते थे, ठीक है, सब्सिस्टिंग ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या खाते थे वो, क्या करते थे, कैसे रहते थे, वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ किया करते थे खाने के लिए। ठीक है, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि वो फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर एरिया को क्लियर करते हैं, फिर वहाँ पे जो है मतलब वहाँ पे जलाते हैं उन जगहों को, और वहाँ पे फिर से मतलब ऐसे ऐसे जैसे हमने पढ़ा है, राइट, क्योंकि ऐश जो है वो पोटैश का काम करती है, यानी कि राख। ठीक है, सो जो पहाड़ियाँ हैं वो बहुत सारी पल्सेज और बहुत सारे मिलेट्स जो है अपने कंजप्शन के लिए उगाते थे। ठीक है, कुछ जगहों पे हमने ये भी देखा है कि वो महुआ का फूल जो है वो कलेक्ट करते हैं खाने के लिए, और सिल्क कोकून्स, रेजन्स, इन सब को वो जाके बेचते हैं, फिर वो चारकोल प्रोडक्शन के लिए वुड को भी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, सो इस अंडरग्रोथ में हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो ट्रीज हैं, ठीक है, और ग्रास के जो पैचेस हैं उनको कवर किया जाता है बाय द लैंड लेफ्ट बाय फैलो प्रोवाइडेड बाय पेस्चर ऑफ केटल्स। ठीक है, सो अब पहाड़ियों की क्या लाइफ थी, वो हंटर्स थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, वो फूड गैदरर थे, वो चारकोल प्रोड्यूसर थे, वो सिल्कवर्म रेयरर भी थे। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली वो किस चीज से कनेक्टेड थे, वो फॉरेस्ट से ही कनेक्टेड थे मैक्सिमम। ठीक है, सो वो मतलब बताते हैं कि कैसे वो टैमरिंड ग्रोव में रहा करते थे और मैंगो ट्रीज की शेड में जो है वो रेस्ट किया करते थे। ठीक है, सो जो पूरा रीजन है वो अपना फॉरेस्ट में इंजॉय किया करते थे। ठीक है, सो ऑफकोर्स उनकी आइडेंटिटी भी सर्वाइव कर गई। ठीक है, क्योंकि वो उनको क्योंकि वो किसी भी आउटसाइडर के जो इंट्रूशन है उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया करते थे, किसी को आने नहीं देते थे। ठीक है, सो जो चीफ थे उन्होंने ना एक यूनिटी बनाई ग्रुप की और उन्होंने डिस्प्यूट सेटल करना शुरू करा। ठीक है, तो उन्होंने बैटल शुरू करी और ट्राइब्स के साथ और प्लेन्स पीपल के साथ। देखो ना, इनकी ना प्लेन के लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मतलब जैसे ये हिल्स है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्लेन में है, ठीक है, तो ये जो हिल में रहते हो जो प्लेन के लोग हैं इनके साथ भी इनकी नहीं बना करती थी। ठीक है, सो प्लेन्स के जो ज़मींदार थे उनको रेगुलर ट्रिब्यूट लेने पड़ रहे थे, वो पीसफुली काम किया करते थे। ठीक है, तो वो जो हिल के जो चीफ है उनके पास जाया करते थे और उनको बोला करते थे कि जो ट्रिब्यूट है प्लीज़ वो आप हमें दे दे। ठीक है, सो जो ट्रेडर्स है वो सिमिलरली स्मॉल अमाउंट दे दिया करते थे उन हिल फ्लोक्स को। सो अब ना इन्होंने क्या किया कि जो ज़मींदार थे उनके साथ तो इनकी ऐसे बनती नहीं थी, सो उन्होंने बोला कि देखो पीसफुली हम सब कुछ बात करेंगे, हम क्या करेंगे कि देखो आपको ट्रेड करना है यहाँ आके, आप यहाँ आके ट्रेड करो। ठीक है, बदले में आप क्या करोगे, आप हमें ना प्रोटेक्ट करोगे बाहर वाली चीज़ों से। ठीक है, आप हम यहाँ पे क्या कर सकते हो, बदले में आप यहाँ आके ट्रेड कर सकते हो और मतलब आप यहाँ का भी मतलब कंट्रोल कर सकते हो थोड़ी थोड़ी चीज़ें। ठीक है, सो जो पहाड़िया चीफ है वो बदले में ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करते थे और इंश्योर करते थे, मतलब बदले में ना देखो जो पहाड़िया लोग थे उनको सब कुछ खाना वगैरह जो ये लोग दे दिया करते थे। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि जो सेटल्ड एग्रीकल्चर है ना उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन किया जा सके। ठीक है, सो मतलब जंगलों को काट के जो है वहाँ पर फूड का जो है वो और ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते थे। ठीक है, सो उन्होंने मतलब बिना कुछ सोचे समझे इतने हाई लेवल में उन्होंने फॉरेस्ट को काटना शुरू करा कि जो लोग थे जो वहाँ के रहते थे जो पहाड़ी थे उनको और अंदर जंगलों में जाना पड़ गया। ठीक है, जैसे जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंड कर रहा था वैसे वैसे जो फॉरेस्ट है और जो पेस्चर्स है वो कम होते जा रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को और ज़्यादा बीच में जाना पड़ रहा था फॉरेस्ट में। ठीक है, सो 1770s में जब ब्रिटिश है उन्होंने एक उनके दिमाग में एक बहुत ही बकवास सा आइडिया आता है, वो ये सोचते हैं कि जितने भी पहाड़ियाँ हमें मिलते हैं हम उन्हें मारते चले जाएंगे। ठीक है, ताकि पहाड़ियाँ ख़त्म ही हो जाए एक टाइम पे। बट 1780s में अगस्तस केविलैंड आते हैं जो कि बगलपुर के कलेक्टर होते हैं और उन्हें लगता है कि यार ये जो चीज़ है ये सब कोर्स बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वो उन्हें एक तो वो डिसाइड करती है कि वो पहाड़ियों की जो चीफ है उन्हें एनुअल अलाउंस देंगे और उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। ठीक है, और उन्हें प्रॉपर कंडक्ट देंगे उनके लोगों के लिए। ठीक है, सो काफ़ी जो पहाड़ी चीफ थे उन्होंने इस अलाउंस को रिफ्यूज़ कर दिया
और जिन्होंने एक्सेप्ट करा उनकी उनकी ना कम्युनिटी छीन गई। तो उनको ऐसा लग रहा था लोगों को कि ये कैसा चीफ है, बस कि इसको पैसे दिखे तो इन्होंने अपना जब फॉरेस्ट वगैरह सब छोड़ दिया। ठीक है, सो ज़्यादातर जो है वो मतलब इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, सो जो पहाड़ियाँ से वो ऑफकोर्स अब माउंटेन में और ज़्यादा डीपर डीपर जा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, सो बाहर की जो होस्टाइल फोर्सेस है और बाहर के लोगों के साथ उनकी लड़ाई भी हो रही थी। ठीक है, अब देखो जो पहाड़ियाँ लोग हैं ये ज़मींदारों की सुनते तो थी नहीं, इनका तो अपना सिस्टम चलता था, ज़मींदारों की नहीं बट अंग्रेज़ों की नहीं सुनते थे। ठीक है, तो इसी के लिए इनको ही ख़त्म करने के लिए इन्होंने लाया संथल्स को। ठीक है, संथल इस टाइम पे यहाँ पर आ गए। सो संथल्स को कौन लाया, संथल्स को लाया ब्रिटिशर्स। सो अब संथल्स का क्या काम था, संथल्स आए उन्होंने फॉरेस्ट काटना शुरू करे, इन्होंने टिम्बर कटिंग करनी शुरू करी और इन्होंने राइस और कॉटन की ग्रोथ शुरू करी। ठीक है, सो अब उस टाइम पे पता क्या था कि जो पहाड़ियाँ हैं वो ऑफकोर्स राजमहल हिल में अंदर जा रहे थे और नीचे से ये जो संथल्स थे इन्होंने काटना, जंगलों को काटना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो एक बैटल इनके बीच में चल रही थी। ठीक है, सो संथल्स क्या थे, कैसे आए, देखो संथल बंगाल में आए अराउंड 1780s के टाइम पे। ठीक है, जब वो और इनको किन्नौर जमींदार ने इनको हायर करा ताकि और ज़्यादा एक्सपेंशन हो सके लैंड का, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है इनको इन्वाइट किया गया कि वो जंगल मत को जंगल महल्स में इनको सेटल हो जाए। ठीक है, सो जो पहाड़ीज थे वो इनके बात नहीं सुन रहे थे ऑफकोर्स, तो जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट है और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने संथल्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि तुम संथल्स हो, तुमने जो करना है तुम करो बट इन ब्रिटिशर्स को हटा दो, मतलब पहाड़ी को हटा दो। सो पहाड़ी रिफ्यूज़ कर रहे थे कि वो फॉरेस्ट को नहीं काटने देंगे। ठीक है, वो उन्हें प्लो को टच नहीं करने दे रहे थे। ठीक है, बट संथल जो थे वो बहुत ही मतलब आइडियल सेटलर थे और उन्होंने फॉरेस्ट को काटना शुरू करा और मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने लैंड में जो है वो मतलब फसल उगानी शुरू कर दी। ठीक है, पहाड़ों इनको इनको काट कर, ठीक है, जंगलों को। सो 1832 में एक लार्ज एरिया जो है लैंड का वो इनको दे दिया जाता है, जिनको बोला जाता है दामिनी को, किनको दिया जाता है, ये दिया जाता है सेंथल्स को। ठीक है, अब सेंथल इन्हीं में रहा करते थे। ठीक है, ये इसमें एग्रीकल्चर सब कुछ जो है वो किया करते थे और खुशी खुशी रहा करते थे। ठीक है, सो देखो सेंथल्स की जो है ना इनकी सेटलमेंट बहुत ही मतलब रैपिडली इंक्रीज होने लगी, एक्सपेंड होने लगी। जब ये लोग आए थे तो 40 सेंथल विलेजेस हुआ करते थे 1838 में, और 1851 आते आते जो है ये 1473 विलेजेस इनके बन गए थे। मतलब 1838 में जब ये आए थे ये सिर्फ 3000 थे और 1851 में ये 82,000 हो गए थे, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, जब सेंथल्स को ये समझ आया, ठीक है, कि इनका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, राजमहल हिल्स के उसमें इनको यूज़ किया जा रहा है और जो बाकी जो पहाड़ियाँ से हैं उनको जानबूझ के जो है वो और ज़्यादा बैरन और रॉकी एरिया में भेज दिया जा रहा है। ठीक है, सो वहाँ पे ना देखो जो जहाँ पे ये लोग जा रहे थे टॉप 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 में, वहाँ पे ना कुछ काम करनी था, ना कि वहाँ की ज़मीन उपजाऊ थी, ना वहाँ पे अच्छे से फॉरेस्ट थे, ना वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किए जा सकते थे, ऊपर से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो रॉकी लैंड हुआ करते थे। ठीक है, सब पहाड़ियाँ यहाँ पे करने के लिए इनके पास कुछ बचा ही नहीं था। ठीक है, कुछ इफेक्टिव सिस्टम इनके पास बचा ही नहीं था। ठीक है, सो यहाँ पे हंटिंग में भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो काटे जा रहे थे तो जानवर भी एक्सटेंट होने लगे थे, ख़त्म होने लगे थे उस जगह से। ठीक है, सो जो सेंथल है उनको जब जब भी पता चला कि यार ये ना हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि संथल को भी टैक्स देना पड़ रहा था और टैक्स तो बहुत ही ज़्यादा हाई था। ठीक है, फिर संथल को भी क्या करना पड़ रहा था, मनी लेंडर से ये जो है लैंड लेके जो है वो अपना हाई रेट का इंटरेस्ट भी दिया करते थे, साथ में अपना लैंड का डेट भी पे किया करते थे। ठीक है, सो धीरे धीरे जो है इन्होंने भी रिवोल्ट करना शुरू करा था। ठीक है, 1850s में संथल को लगा कि यार अब तो रिबेल करना पड़ेगा इन जमींदार मनी लेंडर और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। ठीक है, सो उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है जब मतलब रिबेल करा। ठीक है, सो उस टाइम पे संथल रिवोल्ट शुरू हुई कब, 1855 से लेके 1506 तक। ठीक है, सो उस टाइम पे संथल परगन बना दिया गया जो कि 5500 स्क्वायर मील्स की एक जगह थी बगलपुर और भीरभूम में। ठीक है, अब द काउंट्स ऑफ बकनन, देखो जो बकनन थे वो सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं थे, उनका मेन काम क्या था, वो ब्रिटिशर्स के एक
एम्प्लॉई थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उनका काम ये था कि वो डिफरेंट डिफरेंट इंडियन ज्योग्राफिकल जगह पे जाकर वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ के कल्चर के बारे में स्टडी करें, ठीक है। सो बकनन जो है उनका ये काम था कि वो जगह जगह जाके ऑब्जर्व करते थे हर एक इंडिविजुअल को, और जो भी चीज़ें वो लिखते थे कि वहाँ की सोइल कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के रिचुअल कैसे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें उगा जाती हैं, वहाँ की ज़मीन उपजाऊ है कि नहीं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, वहाँ की क्या क्या जो है वो रिसोर्सेज है, वो सब कुछ जो है ये लोग स्टडी करने लग गए थे, ठीक है, उस टाइम पे। सो क्या क्या क्रॉप्स वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है, कैसे पेड़ काटे जाते हैं, क्या किया जाते हैं, क्या उगाया जाता है, ये सब कुछ ये लोग स्टडी करते थे और यही जो है ये लिखते थे, ठीक है। सो यही जो चीज़ इन्होंने लिखी, इसी से जो है हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चली, विच वी आर स्टडिंग इन आर चैप्टर, ठीक है। सो अब बॉम्बे डिकिन में कैसे रिवोल्ट हुआ, अभी तक हम कहाँ के बारे में पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे बंगाल के बारे में, अब हम पढ़ेंगे बॉम्बे के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक बेसिकली है तो स्टोरी की तरह ही है, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा वैसे ही है यहाँ पे भी एक स्टोरी की तरह, वहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो एक मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है कहाँ पे, सूपा में, जो कि पुणे की एक जगह है, ठीक है। सो 12 मई 1875 में जो रैत है, इनको रूरल एरिया के लोगों ने अच्छे तरीके से गैदर किया है, और इनकी इन्होंने क्या किया, इन्होंने शॉपकीपर्स पे अटैक कर दिया, ठीक है, और जो बाही खाताज थे उनको इन्होंने जलाने शुरू किए, मतलब बाही खाताज बुक थी जिसमें सारा इनका खाता लिखा गया था कि इसके ऊपर इतना लोन है, इसके ऊपर इतना लोन है, इसके ऊपर इतना लोन है, ठीक है, जो खाता की किताब होती है बेसिकली वैसा कुछ, ठीक है। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि ग्रेन्स की शॉप को लूटा जा रहा है, जगह जगह पर जो शाहूकार है उनके घरों पे आग लगाई जा रही है, इतनी अटैक किए जा रहे हैं, शॉप्स तोड़ी जा रही हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ क्यों हो रहा था, धीरे धीरे जो ये रिवोल्ट है ये अहमदनगर तक पहुंच गया, ठीक है, और ये बात, ये चीज़ें जो है ये फैलने लग गई, क्यों ऐसे इतने मतलब रेगुलर पैटर्न में शोकास में जो साहूकार है उनमें अटैक किया जा रहा है, ठीक है, पीजेंस इतने मतलब पीजेंस अटैक क्यों कर रहे हैं, साहूकार विलेजेस को छोड़ के भाग रहे हैं, इस सब का रीज़न क्या है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। द न्यू रेवेन्यू सिस्टम, सो देखो परमानेंट सेटलमेंट तो अब अंग्रेजों को समझ आ गया कि नहीं बेटा परमानेंट सेटलमेंट से तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ तो नया करना पड़ेगा, ठीक है। तब इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने विलेजेस को ऑब्जर्व करना शुरू करा, ये क्या किया, ये इन्होंने ना विलेजेस में ये गए, इन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पर इतना इनकम आता है तो कितना जो है हमें टैक्स उनसे लेना चाहिए, ठीक है। सो काफ़ी टाइम इन्होंने ऑब्जर्व करने में लगाया, काफ़ी टाइम इन्होंने ये डिस्कशन करने में लगाया कि कितनी जो अमाउंट है वो हमें मतलब टैक्स एज अ टैक्स लेनी चाहिए लोगों से, ठीक है। और इस सिस्टम को क्या बोला गया, इस सिस्टम को बोला गया रेयतवारी सिस्टम, ठीक है। सो रेयतवारी सिस्टम के अंदर क्या होता था कि विलेजेस को अच्छे से स्टडी किया जाता था पहले, ठीक है, जब उनको अच्छे से स्टडी किया जाता था फिर वहां से डिसाइड किया जाता था कि क्या चीज़ जो है वो उनसे लेनी है, ठीक है। सो जैसा बंगाल सिस्टम में चल रहा था, यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली रेवत आके ले रहे थे, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो ज़मींदार थे वो जाके लेते थे, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट जो रेवत जाके वो जो है वो मतलब टैक्स उनसे ले रहे थे, ठीक है। सो जो रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी है लोगों की वो असेस की जा रही थी, ठीक है, कि क्या शेयर होना चाहिए लोगों का, उसके अकॉर्डिंग कितना जो है हमें उनसे रेवेन्यू चार्ज करना चाहिए। लगभग 30 साल लगे उनको ये रेवेन्यू करने में, रिसर्वे उन्होंने किया, हर 30 साल में वो रिसर्वे करते थे और रेवेन्यू रेट को इनक्रीज किया जाते थे, ठीक है। तो जो रेवेन्यू डिमांड है वो नो लॉन्गर वो परमानेंट नहीं था, ठीक है। सो देखो अब हम पढ़ लेते हैं रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट डेट। सो जो फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ वो हुआ था बॉम्बे डिकन में, कब, 1820s के टाइम पे, ठीक है। सो जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा हाई थी कि पीजेंट्स की जो जगहें हैं, ठीक है, वो हटा के उनकी मतलब वो नए रीजन्स में जाके रह रहे थे, ठीक है। सो देखो रेन फेल हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, पुअर जो है वो हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, अब पीजेंट्स रेवेन्यू कैसे पे करें ऐसे में, जब उपज ही नहीं है, कुछ उगा ही नहीं है, तो क्या बेचे और क्या पे करे, अरे अपना घर भी तो चलाना है सामने वाले आदमी को, राइट। सो अब जब कोई पे करना ऑफकोर्स फेल कर रहा था, तो अब अंग्रेज तो ऐसे थे कि कुछ सोच समझ तो थी नहीं उनमें, दिमाग तो चलाते नहीं थे, ये फेल हो गए हैं ये पे करने के लिए, तो अब ये क्या करेंगे, अब इनका जो विलेज है
इनकी जो जगह है वो हमारी हो जाएगी, ठीक है। 1830 आते आते ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीवर हो गई थी, एग्रीकल्चर हो ही नहीं रहा था और चीज़ों की जो दाम है वो बहुत ही बुरे तरीके से गिर रहे थे, ठीक है। सो डिकेड होते गए, इतना टाइम निकल गया, ठीक है। इसी टाइम पे जो कंट्री साइड है ना उधर फमाइन आ गई, ठीक है। फमाइन आई बिकॉज अब उपज ही नहीं है तो लोग खाएंगे क्या, ठीक है। अब जो लोग हैं वो अपनी, लोगों के पास कैटल नहीं है, ठीक है। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन की कैटल मर गई डेक्कन की, ठीक है, और लगभग आधी ह्यूमन पॉपुलेशन मर गई, ठीक है। सो जब ऐसी सिचुएशन आ रही थी तो अब ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स को फिर से टेंशन होने लग गई थी कि यार अब हम क्या करें, ठीक है। सो अब जो मनी लेंडर्स है ना जिनसे लोन लिया जा रहा था वो ना, उनको तो उन पैसे वापस ही नहीं आ रहे थे क्योंकि लोग मतलब दे ही नहीं पा रहे थे, राइट। बिकॉज पीजेंट्स अनपेड थे, ठीक है, उन पीजेंट्स के पास पैसे नहीं थे, ठीक है। सो अब मनी, अब देखो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो मनी लेंडर पे डिपेंडेंस जो है वो लोगों की बड़ी बढ़ती चली जा रही थी, ठीक है। सो 1840 आते आते एक अलार्म आ गया लोगों के दिमाग में कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, पीजेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कर्ज में डूबते जा रहे हैं, ठीक है। मिड 1840s के टाइम पे थोड़ा हमें ऐसा देखने को मिला कि शायद थोड़ा जो है वो इकोनॉमिक्स में अच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। 1845 के बाद जो एग्रीकल्चर प्राइसेज है वो रिकवर हो रहे थे, जो कल्टिवेटर्स है वो भी अब मतलब अपना नई नई जगहों पे जा रहे थे, अपनी पेस्ट लैंड को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, कल्टीवेटेड फील्ड वहाँ पे बना रहे थे, ठीक है। सो अब उन्हें मनी चाहिए थी चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए, ठीक है। सो अब जो है फिर से मनी लेंडर्स के पास जो है वो लोन लोन के लिए वो आने लग गए थे। उसी के बाद आता है कॉटन बूम, ठीक है। सो 1860 पे जो 3/4 रो कॉटन आता था ब्रिटेन में वो कहाँ से आता था, वो अमेरिका से आता था, ठीक है। और अब ना ब्रिटिशर्स को ना अंदर से अंदर थोड़ी थोड़ी टेंशन हुई थी कि यार इतना सारा जो है हम वो ब्रिटिशर्स से ले रहे हैं, अगर ब्रिटिशर्स सप्लाई बंद कर देते, सॉरी अमेरिकन सप्लाई बंद कर देते हैं तो हम कहाँ जाएंगे। और जैसे उनका डर होता है वैसे ही होता है, होता क्या है कि 1861 में आती है अमेरिकन सिविल वॉर और सारे जो एक्सपोर्ट्स है वो बंद हो जाते हैं अमेरिका से, ठीक है। सो अब जो ब्रिटेन है वो उनको टेंशन हो जाती है कि यार वो रॉ कॉटन कहाँ से लेकर आए, ठीक है। जो रॉ कॉटन वो मतलब अमेरिका से लेकर आ रहे थे वो 3% तक गिर गया था, ठीक है। सो अब ब्रिटिशर्स को लगा कि यार इंडिया का हम ऑलरेडी लूट तो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा और हाथ मार लेते हैं। तब उन्होंने जो वहाँ पे मतलब जो लोग पहले से कॉटन उगा रहे थे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रॉफिट आया लोग, मतलब अब ब्रिटिशर्स को ना, अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे आपको पता है, इनको ना एडवांस भी दे रहे थे थोड़ा थोड़ा कि हम अभी आपको इतना एडवांस दे रहे हैं 100 रुपये कि आप ना हमारे लिए जो अपने लैंड में कॉटन उगा देना, ठीक है। सो ऑफकोर्स जो है कॉटन की जो अमाउंट है वो तो बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। सो लगभग 90% जो कॉटन है वो ब्रिटेन का वो उस टाइम इंडिया से ही इम्पोर्ट हो रहा था, ठीक है। जो रिच पीजेंट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा गेन हुआ लार्ज मेजोरिटी में, जो छोटे वाले पीजेंट्स थे, जो कम पीजेंट्स थे, उनको इतना कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। जो कॉटन मर्चेंट्स थे इंडिया के उनको अब ये लग रहा था कि इस तरीके से वो पूरे वर्ल्ड में जो है अपने कॉटन को फैला देंगे, ठीक है। बट उसके बाद क्या होता है, अमेरिका आ जाता है क्योंकि जो सिविल वॉर है वो बंद हो जाती है, सिविल वॉर, ठीक है। अब जो कोट अब ब्रिटेन फिर से जो है इंडिया को छोड़ के अमेरिका की तरफ मुड़ जाता है। तो अब जो इतने सारे लोग थे जो कि अपने लैंड में कॉटन ही उगा रहे थे, कॉटन की तो अब डिमांड ही नहीं रही, ठीक है, कॉटन के प्राइस इतने ज़्यादा गिर गए तो ऑफकोर्स अब लोगों को जो है फिर से अब नुकसान होने लग गया, फिर से वो अपना जो टैक्स वो नहीं पे कर पा रहे थे, फिर से वो मनी लेंडर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। बट अब मनी लेंडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम तुम्हें लोन नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन देख के अब लग नहीं रहा कि तुम हमें पैसे वापस करोगे, ठीक है। सो अब जब इतना इंजस्टिस द मनी लेंडर्स का ये रिफ्यूज़ल देखा तो ऑफकोर्स अब लोगों को तो अब तक लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब तो हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, मनी लेंडर्स भी नहीं पैसे देंगे तो अब हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल में मनी लेंडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी, मनी लेंडर्स जो है उनको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फिगर उस टाइम पे बना दिया गया था, ठीक है। एक वैरायटी हमें देखने को मिल रही थी कस्टमरी नॉर्म्स की, जो कि मनी लेंडर और रेवड़ के बीच में एक रिलेशनशिप सेट कर रहा था, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मनी लेंडर्स का जो एक्सेप्शंस है वो डिफाइन हो रहा था, ठीक है, कि मतलब अब लोग बोल रहे थे कि हमें फेयर इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, जो इतना ज़्यादा ये लोग हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑफकोर्स बिल्कुल भी ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है। सो इतना ज़्यादा जो है वो लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, जैसे देखो मतलब
अगर कोई पर्सन 100 रुपये का लोन लेता है तो उनका इंटरेस्ट ही 2,000 तक चला जाता था यार। आप सोचो ये कितना ज़्यादा है। ठीक है, मान लो अगर आप किसी से लोन लेते हो, ठीक है, तो आप 50 रुपये का लोन लेते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आदमी ये बोलेगा कि यार जब तू पैसे वापस करेगा तो तू मुझे 20 रुपये और एक्स्ट्रा देगी, मतलब तू मुझे 70 रुपये वापस करियो। अब वो ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कि मैं तुझे 50 रुपये दे रहा हूँ तो बदले में मुझे 1,000 रुपये वापस करियो। ये तो बिल्कुल ही बकवास सी बात हो गई, राइट। वही चीज़ यहाँ पे हो रही थी। तो लोग ऑफ कोर्स जो है इसके खिलाफ जाके जो है बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसी के खिलाफ जाके क्या किया इन लोगों ने कि जो मनी लेंडर्स है उनको, जैसे हमने भी पढ़ा था, उनके मारपीट वगैरह हुई, ठीक है। अब क्या कर सकते थे लोग, लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था, उनके पास अनपेड बैलेंसेस थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ये हटा ही देते हैं। मतलब ये जो लिखा गया है ना कि हाँ हमारे पास क्या लिखा, क्या सबूत है, सिर्फ रिटर्न वर्ड्स है कि हाँ हमारा इतना लोन है। अगर हम इसी को हटा देते तो लोन कहाँ बचेगा हमारे पास। फिर उन्होंने ये सारा जो है रिवोल्ट के उसमें उन्होंने ये सब कुछ किया था, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, द डेक्कन राइट्स कमीशन। देखो, अब जब ये सब कुछ चीज़ें वो देखते हैं कि बॉम्बे में इतना सब कुछ हो रहा है, तो गवर्नमेंट को अब थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लग जाती है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे को थोड़ा सा मतलब उनको थोड़ा सा प्रेशर करती है कि यार तुम लोग चेक करो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। फिर जो एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रेजेंट करते हैं 1878 में, ठीक है। अब ये जो कमीशन है ये सारी चीज़ें इंक्वायर कर रही थी कि कैसे रेओ साहूकार इन सबको आइंड विटनेस बनाया गया और ये सारी चीज़ें जो है हुई, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है उन तक जो है रिपोर्ट्स जाने लग गई थी, ठीक है। सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू वेरी मच।